झारखंड में ये सब चीज़ मशहूर है, मटका का पानी पीना ये इत्यादि, और उससे बना हुआ बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे बड़ा बड़ा मुर्गा भी मिल रहा है। तो हाय एवरीवन, आप सबको मैं फिर से स्वागत करता हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड फाइनली आज हम आए हैं यहाँ पे चितरपुर, जो रामगढ़ से बहुत आगे है। तो चितरपुर देख सकते हो, चितरपुर के भी हम चौक पास है, देख सकते हो मेरे पीछे आगे और पीछे पूरे साइड रोड ही रोड भरा पड़ा है। और मैं आप लोगों का आज यहाँ का कुछ खास बाज़ार के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और वहाँ का पूरा वीडियो आप लोगों को बताएंगे। बाज़ार में सुनने में आया है कि बहुत सारा सस्ता सामान बिकता है। तो गाइस हम वीडियो में कंटिन्यू आगे चलते हैं और आपको बताते हैं बाज़ार का क्या आज भाव है, सब चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देख सकते हैं ये मंदिर है, इधर से एक रास्ता है, उधर से जाना है हम लोगों को जो बाज़ार की ओर ले जाएगा। तो गाइस वीडियो में कंटिन्यू आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को मैं वहाँ का बाज़ार का नज़ारा, जो कैसा चितरपुर का बाज़ार है जो बहुत फेमस है यहाँ का, ठीक है गाइस। तो फ्रेंड फाइनली अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे बाज़ार की ओर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा बाज़ार, जैसे कि अब हम बाज़ार की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है गाइस। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। तो फ्रेंड फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर, देख सकते हैं हमारे पीछे लिखा हुआ यहाँ पे चितरपुर बाज़ार, और मैं आप लोगों को अंदर लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ बाज़ार का क्या नज़ारा है। तो फ्रेंड फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मिठाई उठाई सारा चीज़ यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे कि देखिए। और यहाँ से अब हम लोग अंदर की ओर घुसते हैं, देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे खटिया उटिया सारा ये सब चीज। इधर देख सकते हो टोकरी उकरी सारा चीज बिकता है इधर। और ये यहाँ पे जूता का सेल लगा पड़ा हुआ है, ये देखिए। ये पूछते हैं शुभ कैसे है, 130। तो गाइस जैसे कि आपको पता चल गया यहाँ का भाव सूप यहाँ पे 130 का है, बाकी आप लोग के यहाँ कैसा है भाव है वो इसके बगल में ही यहाँ पे 110 में दे रहा है, उधर 130 में दे रहा है, देख सकते हो आप लोग सामने देखिए। तो गाइस देखते हैं अब यहाँ से भी क्या क्या बिक रहा है। तो फ्रेंड तो फ्रेंड यहाँ पे अब हम थोड़ा सा यहाँ का भाव के बारे में जानना चाहते हैं। सो गाइस हम आप लोगों को भी बताते हैं यहाँ का आलू प्याज का क्या भाव चल रहा है नहीं चल रहा है। तो आपको हम दिखाते हैं यहाँ का पूरा भाव कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है। तो गाइस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, जो चितरपुर बाज़ार में हम आज पहुँचे हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का क्या भाव है और क्या रेट है, और आप लोग के यहाँ क्या रेट है वो सारा चीज़ आप बता सकते हो कमेंट में कि आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है और यहाँ पे क्या रेट चल रहा है। तो गाइस चलते हैं आगे और पूछते हैं कुछ आलू कैसे है वो वाला। हाँ वाइट वाला आलू 25 रुपये, और ये मिर्चा कैसे रुपये, आधा किलो 25। और ये लौकी कैसे चल रहा है यहाँ पे, लौकी 20 रुपये, टमाटर 30। तो गाइस तो आपको पता ही चल गया यहाँ का कुछ रेट इस टाइप से, आप लोग का यहाँ कैसे भाव है वो आप ज़रा बताइएगा। और यहाँ पे हमें एक नज़र आ रहा है गोभी, तो पूछते हैं यहाँ पे ये फूल गोभी कैसे है, 50 का 1 केजी। और ये बंधा गोभी, बंधा गोभी 40। और ये 40 रुपये बैंगन, और टमाटर 30 रुपये। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस टाइप से रेट है, आप लोग के यहाँ क्या रेट है सो आप बता सकते हो कमेंट करके, ठीक है गाइस। तो अभी और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का कुछ खास खास नज़ारा और क्या कुछ खास है यहाँ का वो भी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक करे भैया, ठीक करे, ये सब बजावे का काम करे।
की हाल हम मुराई कैसे रुपए किलो? 15 रुपए 15 रुपए किलो यहाँ मुराई। और इधर भी आप पूछ लेते हैं एक बार, फूल गोभी कैसे रुपए? फूल गोभी कैसे? 60 रुपए के जी। तो गाइस एक ही बाज़ार में बहुत सारा प्रकार का आपको भाव मिल सकता है। तो फ्रेंड फाइनली देख सकते हो यहाँ पे मटका उटका भी सारा चीज़ यहाँ पे बिक रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मटका है, जो झारखंड में ये सब चीज़ मशहूर है, मटका का पानी पीना ये इत्यादि, और उससे बना हुआ बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पे बड़ा बड़ा मुर्गा भी मिल रहा है। यहाँ पे एक साइड इधर मुर्गा का दुकान पड़ा हुआ है जो बहुत सारा मुर्गा है। और यहाँ बहुत मात्रा में आप लोगों को यहाँ पे सब्जी का मेन यहाँ पे सब्जी बिकता है ज़्यादा। देख सकते हो हमें तो जहाँ तक जा रहे हैं, मेरा तो जहाँ तक नज़र जा रहा है वहाँ तक तो सब्जी नज़र आ रहा है। तो गाइस आपको जैसा कि दिखा देता हूँ कुछ और चीज़ इधर, अभी कुछ मैं अलग साइड में पहुँचा हूँ और वहाँ का भाव मैं आप लोग को बताता हूँ कैसा भाव है। तो चलिए पूछते हैं वीडियो में कंटिन्यू आगे। ये टमाटर कैसे? टमाटर 25 रुपये। और वो कदुआ 1.5 किलो 20। और ये आलू कैसे चल रहा है? वाइट वाला 20 रुपये, और लाल वाला पुराना जो आलू है वो भी 20 रुपये। अरे नया आलू आया है बाज़ार में, ये कैसे? 35 रुपये। तो गाइस जैसे कि आपको पता चल गया यहाँ पर ही लाल वाला आलू जो नया आलू आया वो यहाँ पे 35 रुपये है। तो गाइस देखते हैं और क्या क्या भाव चल रहा है। मूली उली सब चीज़ यहाँ पे बहुत उपलब्ध हो गया है। आपके बदन में दर्द है, आपका नस जाम हो गया है, आपको चोट लग गया है, आप दर्द से परेशान है, तरह तरह की जड़ी बूटी आपने किया, आपने गोली खाया, आपने सुई लगाया, जड़ी बूटियों को जलाकर कांकर बनाया गया, मोटा। तो फ्रेंड फाइनली अब हम यहाँ पे बाज़ार से बाहर निकल चुके हैं। देख सकते हैं मेन रोड के पास मैं फिर से पहुँच चुका हूँ। और गाइस अब हम यहाँ से घर के ओर निकलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना पर्सनल काम से आया था तो सोचा कि यहाँ पे आज बाज़ार है तो बाज़ार के बारे में कुछ आप लोगों को वहाँ का जो भाव था वो बताने का कोशिश किया था। तो गाइस आप लोगों को मैंने तो यहाँ का पूरा भाव के बारे में आप लोगों को बता दिया, और आप लोग को यहाँ कैसे कैसे सारा सब्जी साग सब्जी का जो भाव रेट चल रहा है वो कैसे रुपये है तो आप कमेंट करके जरूर से ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा सस्ता में सब्ज़ी मिलता है जो सब्ज़ी है सबके लिए ज़रूरी है। तो गाइस फाइनली बाय, ठीक है, फिर से मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।